नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। सपा सांसद आजम खान को मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना संक्रमण के बाद हुए थे भर्ती। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बदलाव, 14 की बजाय अब 16 जुलाई को आएंगी लखनऊ। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन, वर्ल्ड कप विजेता टीम के रहे थे हिस्सा। टोक्यो ओलंपिक में यूपी के कुल 10 खिलाड़ी जापान में आयोजित हो रहे ओलंपिक गेम्स में हुए शामिल, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा आयोजन। जौनपुर वाराणसी हाईवे पर त्रिलोचन के पास दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अब कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दोनों को लखनऊ मेदांता से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। उनके साथ सीतापुर जेल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। शिफ्ट करने से पहले मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल ने दोनों की स्वास्थ्य की जांच भी की। आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आने के बाद 9 मई को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर जेल से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो आपको बता दें कि उन्हें शिफ्ट कराने से पहले मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल ने दोनों के स्वास्थ्य की पूरी तरह से जांच की और साथ में आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में आने के बाद 9 मई को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर जेल से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज मेदांता लखनऊ से आजम खान साहब और उनका लड़के अब्दुल्ला की छुट्टी कर दी गई। वो पूर्णतः स्वस्थ थे। आजम खान साहब और अब्दुल्ला 9 मई को कोविड से ग्रसित पाए जाने के बाद सीतापुर जेल से मेदांता लखनऊ में शिफ्ट करे गए थे और आजम खान साहब मॉडरेट डिजीज थी, बीच में सीवियरिटी बढ़ी थी, परंतु ट्रीटमेंट के साथ वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। तो आज वहीं कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में 25,000 के इनामी बदमाश शाहिद पिच्चा और उसके साथी की रेल बाजार पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें शाहिद पिच्चा और अन्नू पिस्टल के पैर में गोली लग गई। वहीं एक साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान फायरिंग कर बदमाश मौके से भाग गए। वहीं घायल हुए दोनों अपराधियों पर दर्जनों मुकदमे पहले से पंजीकृत बताए जा रहे हैं। तो कानपुर से एक खबर है, जहां पर रेल बाजार थाना क्षेत्र में 25,000 के इनामी बदमाश साहिद पिच्चा और उसके साथी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान शाहिद पिच्चा और उसके साथी यानी अन्नू के पैर में गोली लग गई और एक साथी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान फायरिंग कर बदमाश भाग रहे थे। वहीं घायल हुए दोनों अपराधियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तो कानपुर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इसमें 25,000 के इनामी बदमाश शाहिद पिच्चा और उसके साथी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि शाहिद पिच्चा और उसके साथी यानी अन्नू के पैर में गोली लग गई और साथ में एक साथी भी मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान फायरिंग कर बदमाश भाग रहे थे। घायल हुए दोनों अपराधियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने के करहल रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस ने आरतिया की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि फिरोजाबाद सिरसागंज में आरतिया की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस और बदमाश में कई राउंड में फायरिंग हुई। वहीं हत्या करने के बाद एक महीने से आरोपी फरार था। अब घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिरोजाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने आरतिया की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं फिरोजाबाद सिरसागंज में आरतिया की हत्या हुई थी,
जिसमें पुलिस और बदमाश में कई राउंड के बीच में फायरिंग भी हुई है। हत्या करने के बाद एक महीने से आरोपी फरार था। वहीं घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जौनपुर वाराणसी हाईवे पर असबरनपुर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कार और ट्रक की भिड़ंत में 2 सगे भाई समेत एक की गांव के 5 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को काटकर शव को बाहर निकाला है। मौके पर जिले के DM मनीष कुमार वर्मा समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। नासल है, ये ग्राम मकरा है, थाना क्षेत्र राजपुर का, जिन पर जौनपुर एक कार ब्रेजा जो कि वाराणसी की तरफ से आ रही थी और जौनपुर की तरफ जा रही थी, दूसरी ओर से एक ट्रक है जिसमें की कितनी तजवी है वो जौनपुर से बनारस की तरफ जा रहा था। ये मकरा में एक्सीडेंट हुआ जिसमें की 5 लोगों की मृत्यु हुई है, एक घायल है जिसको की वाराणसी। सामान्य निर्वाचन के फल स्वरूप नवगठित जिला पंचायत की प्रथम बैठक दिनांक 12 जुलाई 2021 जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षता नीरज रानी ने की। इन्होंने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों को विकास कार्यों में योगदान देने का आह्वान किया है। साथ ही इस मौके पर उपस्थित सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने अधिकारियों और नव निर्वाचित पंचायत सदस्यों को मिलकर कार्य योजना बनाने की सलाह भी दी है, जिससे कि जिले के जिला पंचायत समिति मजबूती के साथ कार्य कर सके। वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने कहा कि नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य और अधिकारी करण मिलकर विकास कार्यों को जल्द आगे बढ़ाएंगे। तो बता दें कि सामान्य निर्वाचन के फल स्वरूप नव गठित जिला पंचायत की प्रथम बैठक 12 जुलाई 2021 जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षता नीरज रानी ने की है। साथ ही आपको बता दें कि सभी सदस्यों का इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है और साथ में सभी सदस्यों को विकास कार्यों में योगदान देने के लिए भी आह्वान किया है। साथ ही इस मौके पर उपस्थित सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने अधिकारियों और नव निर्वाचित पंचायत सदस्यों को मिलकर कार्य योजना बनाने की सलाह दी है, जिससे कि जिले की जिला पंचायत समिति मजबूती के साथ काम कर सके। और इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया है कि नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य और अधिकारी करण मिलकर विकास कार्यों को अब जल्द ही आगे बढ़ाएंगे। तो कानपुर देहात से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सामान्य निर्वाचन के फल स्वरूप नवगठित जिला पंचायत की प्रथम बैठक 12 जुलाई 2021 को संपन्न हुई है। ये बैठक की बात की जाए तो जिला पंचायत सभागार में ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षता नीरज रानी ने की है। साथ ही इन्होंने सभी सदस्यों का धन्यवाद भी किया है और आपको बता दें कि सभी सदस्यों को विकास कार्यों में योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही साथ इस मौके पर उपस्थित सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने अधिकारियों और नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को मिलकर कार्य योजना बनाने की सलाह दी है। वहीं जौनपुर के खोता सराय थाना में जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई है। इस विवाद में पिता की मौत हो गई है और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो जौनपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। आपको बता दें कि जमीन के बंटवारे को लेकर यह विवाद हुआ और इसके बाद देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में मारपीट शुरू हो गई। इस विवाद में पिता की मौत हो गई है और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जौनपुर से एक खबर बता रहा, जहां पर विवाद में पिता की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये विवाद जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ है और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में मारपीट होने लगी और इस विवाद में पिता की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस विवाद को लेकर जिस तरह से मारपीट हुई है उसमें बेटे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही पुलिस की बात करें तो वो भी लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं गोरखपुर के पिपराइज थाना क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इलाके में एक व्यक्ति का हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पिपराइज पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक के आंख और सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। वहीं पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुराग खंगालने में लगी हुई है। तो गोरखपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिपराइज थाना क्षेत्र में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इलाके में एक युवक का हत्या कर शव फेंक दिया गया। इस घटना की सूचना पर पिपराइज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक के आंख और सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था। वहीं पुलिस घटना स्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुराग खंगालने में जुटी हुई है। हाल ही में स्मार्ट सिटी आगरा ने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। इसके बावजूद भी आगरा स्मार्ट सिटी में काजीपाड़ा नाला स्मार्ट होने का इंतजार कर रहा है। काजीपाड़ा नाला की दुर्दशा बहुत ही बेकार हो रही है। आपको बता दें कि इस नाले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके बावजूद भी मेयर नवीन जैन और निगम अधिकारियों को इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रहा है। तो स्मार्ट सिटी के बावजूद भी अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वो पूरी तरह से बेकार साबित हो रही है। स्मार्ट सिटी आगरा ने उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान भी पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी आगरा स्मार्ट सिटी में काजीपाड़ा नाला की बात की जाए तो वो अपने आप में स्मार्ट होने का लगातार इंतजार कर रहा है। काजीपाड़ा नाला की दुर्दशा बहुत ही अब बेकार हो रही है। आपको बता दें कि इस नाले में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मेयर नवीन जैन और निगम अधिकारियों को इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रहा है। वहीं आगरा में बच्चे ना होने पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ससुराल वालों ने डीजल डालकर महिला को जिंदा जला दिया। 30 साल की महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़ित महिला जिला आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती है। वहीं महिला ने अस्पताल से वीडियो जारी करके ससुरालजनों पर आरोप लगाया है। तो आगरा से ये बड़ी खबर है, जहां पर बच्चे ना होने पर एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ससुराल वालों ने डीजल डालकर महिला को जिंदा जला दिया है। 30 साल की महिला जिंदगी और मौत से अब लगातार जूझ रही है। वहीं पीड़ित महिला जिला आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती है। वहीं महिला ने अस्पताल से एक वीडियो बनाया है और ससुराल जनों पर आरोप लगाया है। तो महिला ने अस्पताल से एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से उसने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। आपको एक बार फिर से बता दें कि बच्चे ना होने पर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ससुराल वालों ने डीजल डालकर महिला को जिंदा जलाया है और 30 साल की महिला अब जिंदगी और मौत से लगातार जूझ रही है। पीड़ित महिला ने जिला अस्पताल के पुष्पांजलि अस्पताल से एक वीडियो जारी किया है और ससुराल जनों पर आरोप लगाया है। साथ ही साथ महिला की यह मांग है कि ससुराल जनों पर बड़ी कार्रवाई की जाए। तो महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ससुराल जनों ने महिला पर इतनी ज्यादा आपबीती की है। आपको बता दें कि ये मामला आगरा का है, जहां पर बच्चे ना होने के चलते महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। ससुराल वालों ने डीजल डालकर महिला को जिंदा जला दिया है। वहीं 30 साल की महिला अब जिंदगी और मौत से लगातार अस्पताल में जूझ रही है। पीड़ित महिला पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती है। वहीं महिला ने अस्पताल से एक वीडियो बनाया है और ससुराल जनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो महिला ने अस्पताल से ही वीडियो बनाया है और लगातार महिला की यह मांग है कि जो भी आरोपी है उनको
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ससुराल वालों ने डीजल डालकर महिला को जिंदा जलाया है। अब 30 साल की जो महिला है वो लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़ित महिला जिला आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती है। वही महिला ने अस्पताल से वीडियो जारी किया है और ससुराल जनों पर आरोप लगाया है। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर और सुल्तानपुर में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने दोनों जिलों में संक्रमण को काबू में करने के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को प्रदेश में मिले 96 मरीजों में से अकेले 28 रोगी सीतापुर में मिले हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी ने चिंता जताई है। वहीं सोमवार को प्रदेश में मिले 96 मरीजों में से अकेले 28 रोगी सीतापुर में मिले हैं और बीते रविवार को सुल्तानपुर में 20 मरीज मिले थे। उत्तर प्रदेश में करीब एक महीने से ज्यादातर जिलों में इकाई में ही मरीज मिल रहे थे। ऐसे में सीतापुर और सुल्तानपुर जिलों में अब रोगियों की केस हिस्ट्री की जांच की जाएगी और यह पता लगा जाएगा कि बीते दिनों वह कहां कहां गए थे। इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी आरटीपीसीआर कोरोना जांच भी कराई जाएगी। फिर डेल्टा प्लस व कप्पा वेरिएंट का भी पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि आगे संक्रमण और ना फैले इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे 8 महीने की भी विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। आपको बता दें कि लगातार अचानक से ही सीतापुर और सुल्तानपुर जिले में संख्या बढ़ती गई है। उन्होंने दोनों जिलों में संक्रमण को काबू में करने के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम भेजने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सोमवार को भी प्रदेश में मिले 96 मरीजों में से अकेले 28 रोगी सीतापुर में मिले हैं और बीते रविवार को सुल्तानपुर में 20 मरीज मिले थे। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। तो पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीतापुर और सुल्तानपुर में अचानक से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीतापुर में करीब काफी 50 से ऊपर पेशेंट पाए गए हैं, तो ये लोगों की लापरवाही है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी ने अभी इतना हाहाकार मचा रखा था, जिससे लोगों को दूसरी लहर ने तो लोगों को काफी कालकल्पित किया और काफी लोग काल के ग्रास में समाए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अनलॉक की लॉकअप का पूरा लॉकडाउन लगा दिया था और बहुत कड़ाई के साथ इसका अनुपालन कराया। लेकिन अब पब्लिक को बार बार ये नसीहत दी जाती रही कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर अपनाएं, लेकिन फिर पब्लिक ने ये अपनाना छोड़ दिया और उसी का नतीजा देखिए कि आज लोग एकदम लापरवाह हो गए हैं, बेलौस मास्क नहीं लगाते हैं बिना जबकि पुलिस उसका चालान भी करती है, लेकिन उसके बावजूद जनमानस जो इसके प्रति एकदम उदासीन हो गया है। उसी का नतीजा देखिए कि आज ये सब चीजें बढ़ रही हैं जो आगे भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में 96 कोरोना के केसेस सामने आए हैं उसमें से 28 रोगी सिर्फ सीतापुर में मिले हैं और सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 20 मरीज मिल चुके हैं अब तक। बिल्कुल, देखिए ये सब उत्तर प्रदेश के छोटे जिले हैं और वहां जिस तरह से अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो ये अगर इन जिलों में धीरे धीरे वो ग्रामीण बेल्ट से रिलेटेड है, इस तरह से धीरे धीरे अगर वहां पर कोरोना ने अपने पैर पसारे तो ये स्थिति बहुत धीरे धीरे ही बहुत अगर बढ़ते गए केस तो ये बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। तो इसमें आम जनमानस को भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर बताए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उसका अनुपालन करें, तभी कोरोना पे लगाम संभव है। क्योंकि अभी जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है WHO द्वारा और भारत सरकार द्वारा कि अभी तीसरी लहर का आने का पुरजोर अंदेशा है,
जी, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अब जिस सुल्तानपुर में और सीतापुर की बात की जाए तो कोविड के केसेस इतने बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई गए हैं, तो केस हिस्ट्री की बात जिस तरह से की जा रही है कि अब वहां पर केस हिस्ट्री की जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि जनमानस को ही इसमें ध्यान देना है और धीरे धीरे करके ही केस बढ़े थे। आप ये देखिए कि लास्ट ईयर फरवरी में, मतलब 2020 में फरवरी में एक दो केस आए थे और उसके बाद 4 लाख तक ये आंकड़ा पहुंचा। तो अभी जिस तरह की स्थिति है, अगर जनमानस इस पे ध्यान नहीं देगा तो एक दिन ये बहुत तेज फैलने वाला वायरस है, संक्रमण करने वाला। ठीक है, आपने चाहे वैक्सीन लगवा ली है, चाहे एक डोज लगवा ली है, चाहे 2 डोज लगवा ली हो, तब भी आपको संक्रमित कर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि पब्लिक को बहुत ध्यान के साथ रहना होगा और इस पे बहुत ध्यान देना होगा, तभी इस पे रोकथाम संभव हो सकेगी। अब पंकज, जिस तरह से सीएम योगी भी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं अब जिस तरह से, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सीएम योगी तो पहले ही से अलर्ट है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो जिले 500 से ऊपर एक्टिव केस का था, उसके बावजूद उन्होंने उन जिलों में जब तक 500 के नीचे एक्टिव केस नहीं आ गए, उन्होंने उन जिले को अनलॉक नहीं किया। उसके लिए भले व्यापारी संगठन उनसे मिलने, चाहे जो भी लोग मिलते रहे, उन्होंने इस बात पे पूरा एकदम जोर लगा रखा था और उसकी का परिणाम योगी के ही, महंत योगी आदित्यनाथ की क्रियाशीलता का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना आज नीचे आ गया। आज ऑस्ट्रेलिया का सांसद योगी जी को, मतलब पूरे विश्व में इस बात को रखता है कि योगी जी को मुझे दे दिया जाए तो मेरे देश में भी, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थिति भयावह है, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो योगी जी ने तो अपने पुरजोर प्रयास किया, उसी का नतीजा है कि आज कोरोना एकदम नीचे आ चुका है। लेकिन अगर पब्लिक ध्यान नहीं देगी और पब्लिक फिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सीतापुर और सुल्तानपुर जिले ऐसे हैं जिसमें अब तक सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल पा रहे हैं। आपको बता दें कि इनके संपर्क में अब जो मरीज आए हैं उनके आरटीपीसीआर और कोरोना जांच भी कराई जाएगी, और इसके साथ ही डेल्टा प्लस व कप्पा वेरियंट का भी पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। आगे संक्रमण और ना फैले इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे 8 महीने की एक विशेष कार्य योजना भी तैयार करने के निर्देश दिए, और साथ ही साथ कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ी आतंकी मिन्हाज अहमद की लखनऊ से में इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा सक्रिय सदस्य था। आपको बता दें कि आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS की शुरुआती छानबीन में ये सामने आया है कि मिन्हाज करीब 1.5 साल पहले टेलीग्राम ऐप के जरिए अलकायदा के हैंडलरों के संपर्क में आया था और उसके बाद उसके तार जम्मू कश्मीर समेत कुछ अन्य राज्यों में सक्रिय युवकों से जुड़ गए थे। ATS को यह भी आशंका थी कि मिन्हाज और उसके साथी यहाँ एक नया मॉड्यूल भी तैयार कर चुके थे। हालांकि लखनऊ से रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकी मिन्हाज व मसरुद्दीन से जुड़े कई सवाल अभी भी पहेली है। उनके जवाब अब तक दोनों से पुलिस रिमांड के दौरान उगलवाने के प्रयास भी किए जाएंगे। साथ ही ये सूत्रों का कहना है कि सोमवार रात की गई पूछताछ के दौरान दोनों अधिकतर सवालों पर चुप्पी साधे रहे। ATS ने उनके साथी शकील का घर तलाश लिया है लेकिन उसका सुराग अभी तक नहीं लगा पाई है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।